Okay, today we discuss about the all types of nutrition. First of all, we describe about the there are two types of nutrition: autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. Autotrophic means the mode of nutrition in which the organism prepare their own food by themselves. It's called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition also categorized two group. That term is called chemotrophic and phototrophic nutrition. And next, heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition means the nutrition in which the organism can't prepare their own food by themselves. कहने का तात्पर्य वह organism अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, heterotrophic nutrition, है ना। जैसे सभी लोग कहते हैं कि भोजन बनाते हैं, सब कहते हैं भोजन हम लोग बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि भोजन हम लोग प्रिपेयर नहीं करते, भोजन को पकाते हैं, है ना, रैपनिंग आउट, टेस्ट बनाने के लिए अपने अनुसार डाइजेस्ट इजी, डाइजेशन इजी हो इसके लिए हम मॉडिफाइड करते हैं, प्रिपरेशन नहीं कर पाते, है ना। तो दैट्स में अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी कैटेगराइज किया, दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड होलोजिक न्यूट्रिशन। एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन को कैटेगराइज किया, क्या सब किया, एग्जो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग एग्जो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट, फिर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को सेप्रोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग सबसे मोस्ट कम्प्लेक्स फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म डायरेक्ट लेते हैं, बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, है ना। और होलोजोइक न्यूट्रिशन को भी हम लोग अलग अलग स्टेप में डिवाइड करते हैं, पांच स्टेप में बताए थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, है ना। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ऑल आर क्लियर, इसमें हमको लगता है आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का वह होगा, अब हम लोगों का इस टॉपिक पढ़ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, अब हेडिंग देंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम लोग डिस्कस जो करेंगे, आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन प्लांट क्या है, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर फोटोट्रॉफ, इट मीन दैट दे परफॉर्म देयर ऑन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, है ना। अर्थात इसमें हम लोग डिटेल डिस्कस करना है फोटोसिंथेसिस के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट में, ऑल ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, अर्थात फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। अर्थात सनलाइट से अपना भोजन प्रिपेयर करता है और दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, कहने का तात्पर्य वह अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, कौन सी, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा वह अपने भोजन तैयार करता है। अब भोजन फोटोसिंथेसिस, हम लोग वन बाय वन करके फोटोसिंथेसिस पर डिस्कस करेंगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन अबाउट द फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल is known as photosynthesis. ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि इसमें और प्लांट जो है अपना भोजन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्रिपेयर करता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अगर देखेंगे तो ऐसे होता है, 6CO2 प्लस 12H2O एरो देंगे और इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल, तो C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, ये है केमिकल रिएक्शन, ध्यान देना है। बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा यहाँ H2O 6H2O रहता है, यहाँ नहीं रहता है, लेकिन एक्चुअली यह 12H2O की आवश्यकता होती है और बाद में 6H2O फिर बन जाता है। ठीक है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ऐसे आप अगर 6H2O भी देंगे और इधर H2O नहीं देंगे तो ये लोग कैलकुलेशन मिनिमाइज है, 12 यहाँ है, यहाँ 6 है, तो 6 12 - 6 = 6 किया जाता है, इसलिए इसको ये लोग लिखते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट केमिकल रिएक्शन यही है। ठीक है, इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, इनऑर्गेनिक, और ग्लूकोज ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है आपका, ग्लूकोज है, ध्यान देना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो एक लाइन में यह भी कह सकते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट किया जाता है, दैट्स व्हाट वी कॉल फोटोसिंथेसिस, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, शॉर्ट में यह भी कह सकते हैं ना, अर्थात इसमें क्या होता है लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चेंज इनटू द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन याद रखना, इसी से आप फोटोसिंथेसिस हमेशा प्रिपरेशन कर सकते हैं ना, डिफाइन कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शन से। अब ध्यान देना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नोन एज रॉ मटेरियल
raw materials of the photosynthesis. ठीक है, और ध्यान देना है इसमें हम लोग ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट कहते हैं और ग्लूकोज को इंड प्रोडक्ट, है ना। एंड ग्लूकोज इज 6H12O6, ग्लूकोज इज नोन एज इंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर एज एज ऑक्सीजन इज नॉन एज बाय प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, अब ध्यान देना है कि हाउ कैन वी